एमएसपी गारंटी कानून बनाने एवं अग्निपथ योजना वापसी समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन असली अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन मंडलायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है। किसानों द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून की वापसी, एमएसपी गारंटी कानून, बिजली कानून 2020 की वापसी, एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर 13 महीने से आंदोलित किसान संगठनों के प्रतिनिधि किसान संयुक्त मोर्चा से एक समझौता किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून, बिजली बिल 2020 और पराली कानून वापसी की घोषणा एवं एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य बाकी मुद्दे पर किसानों से बातचीत कर एक कमेटी गठित करने की बात कही थी। इस समझौते पर एवं वायदे के बाद किसान संगठनों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था, परंतु आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने अपने किए वादे पर कोई अमल नहीं किया है, बल्कि वादा खिलाफी करते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर जबरन बिजली का मीटर लगाया जा रहा है, जो कि बिजली बिल 2020 की वापसी की घोषणा का स्पष्ट उल्लंघन है। वहीं किसानों की अन्य मांगे जैसे कि एमएसपी गारंटी कानून, आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा और किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी, गन्ना किसानों को बकाया भुगतान ब्याज सहित छोटा पशु के किसानों की फसल बचाओ एवं नुकसान होने पर मुआवजा, किसानों को कर मुक्त डीजल, किसानों को उनके ऋण और बिजली बकाया माफी सहित किसानों के कई मुद्दे पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल तक नहीं की है। साथ ही वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना भर्ती अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में युवाओं में रोष व्याप्त है, क्योंकि सेना में किसानों मजदूरों के बच्चे जाते हैं और इस योजना से सेना की भर्ती में कमी आएगी और देश की सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी। किसान संगठन अपने देश के युवाओं का समर्थन करते हुए अग्निपथ भर्ती योजना की वापसी की मांग करते हैं। का विरोध है, क्या मांग है आप लोगों की जिसको लेकर विरोध? आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला कलेक्टर के माध्यम से हम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन हमारा 24 माह का है, लेकिन 4-5 मांग हमारी बहुत भूख है और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आज हमारा ज्ञापन जा रहा। 26 को हमारी एसके उत्तर प्रदेश की बैठक हुई थी गरेला में, उसमें तय किया था हमने और आज पूरी भी हमारे साथ प्रवेश कर रही। मेन मुद्दे हमारे 4-5 यहाँ हैं। नंबर पहला, 13 महीने जो दिल्ली में आंदोलन चला था हमारा, उस आंदोलन में प्रधानमंत्री ने आकर घोषणा की थी कि हम बिल वापस ले रहे हैं। 13 महीने के बाद समझ आया और कि बिल गलत थे, किसान सही कह रहे थे, वो वापस ले लिए। उसी में एक डिमांड हमारी और थी एमएसपी गारंटी कानून, तो उसको लेकर सरकार ने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमारे कहने से मान जाओ, एक बात हमने आपकी मान ली, एक हमारा विश्वास कर लो आप कि हम आपको 1 महीने के अंदर एमएसपी कानून कैसे गारंटी दी है उसकी कमेटी बनाएंगे, उसमें आपके प्रति शामिल होंगे और हमसे प्रमिल किया उन्होंने और हमने बात मान ली और हम घर चले आए। आज 6 महीने हो गए, सरकार ने वादा खिलाफ भी कर दी, अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं की है और एमएसपी की तरफ सरकार नहीं बढ़ रही है। हमारा ये मुद्दा है कि सरकार एमएसपी कानून दे हमें, ठीक है, नंबर 1। दूसरा हमारा है ये जो अग्निपथ स्कीम सरकार लेकर आई है, इस पर हमारा कड़ा विरोध है हमारा आज, और ये आंदोलन अब गाँव में शुरू हो चुका है। ये हमारा कहना सिर्फ ये है, 4 साल के लिए क्यों लाए आप? 4 साल के लिए आप आर्मी के टैंक लाए हो, पहले आपने 3 बिल ला के हमें जमीन छीनने की कोशिश की, उससे पहले आप 2014 में आपने अध्यादेश ला के तब जमीन छीनने की कोशिश की, आप नहीं छीन पाए, किसान खड़े हुए। अब आप इस देश के गरीब मजदूर किसान के बेटे जो आर्मी में जाते देश सेवा करने के लिए, उन पर चोट कर दी आप। 60,000 नौकरियाँ हर साल आर्मी की रिटायर होती हैं और निकाली गई इस साल, लोगों ने फॉर्म भरे, 3 साल सड़क पर दौड़े, लोग बच्चे दौड़े हमारे, उनके तमाम चाड़े हो बरसात हो पूरी मेहनत की उन्होंने, आर्मी में उन्होंने फिजिकल दिया, पास करके मेडिकल पास करके सब कुछ पास करके, केवल उनको इंटरव्यू देना था और उनके ज्वाइन लेटर मिलता था, वो इंतजार देख रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन चल जाए, इसके बाद हम खुद देंगे ज्वाइनिंग। 60,000 बच्चों को ज्वाइन ना देकर एक रात में आकर आधे जारी कर दिया, तो ख़त्म, और अग्निवीर हम भर्ती करेंगे अब, इसलिए कि पैसे ना मिले। हिंदुस्तान के जवानों को 1,20,000 पैसे मिलती है सिविल देश के अंदर, उस पर इन्होंने डंडा चला दिया, नहीं देंगे। 3,00,000 करोड़ रुपया भारत का, तुम्हारा मेरा सबका, नेताओं की पेंशन और तनख्वाह पर खर्च होता है।